अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हमने ये चाइनीज़ कॉलर बनाया है, ठीक है। इसके एक साइड पे हमने डबल पट्टी दी है, यहाँ पे हमने कटवर्क किया है, ठीक है। और यहाँ पे हमने तीन बटन लगा दिए। चलिए यहाँ देखते हैं किस तरह तैयार किया है। सबसे पहले हम यहाँ ऊपर इसे 3 इंच पे निशान लगाएंगे, ठीक है। यहाँ इस निशान से यहाँ पे 8.5 इंच पे, आधा इंच हमारा दबाव में जाएगा, 8 इंच तैयार होगा गला, क्योंकि चाइनीज़ गले में हमारा 8 इंच होना चाहिए ताकि हमारा सर आराम से आ जाए, ठीक है। 8.5 पे हमने निशान लगा दिया और इस निशान से नीचे 17 इंच पे, ठीक है, ये निशान मैंने लगा दिए। यहाँ से हम इसे वी बना लेंगे और यहाँ से इस तरह सीधा आ जाएगा हमारा, हम इसकी कटिंग कर लेंगे। निशान तक हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम इसके शोल्डर जोड़ लेंगे, ये हमारी बैक है, इसे खोल लेंगे अब। फ्रंट को इसके ऊपर सेट करके यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे और इस साइड पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। मैंने शोल्डर जोड़ दिए इसके, ठीक है। इसके बैक पे हम 1/2 इंच का निशान लगा लेंगे, यहाँ पे हम इसे इस तरह शेप दे देंगे, कटिंग कर देंगे हम इसकी। यहाँ पे हम कट लगा लेंगे बैक के सेंटर का। अब इसे हम नाप लेंगे कि हमें कितनी लंबी पट्टी चाहिए इसके लिए। ये देखें, ये कट लगा हुआ है हमारा यहाँ तक, तो यहाँ से हम इसे नापेंगे। ये हमारी 20.5 इंच आ रही है, ठीक है। 20.5 इंच का डबल कर लेंगे तो हमारी 42 इंच हो जाएगी और 1 इंच हमारा नीचे दबाव में आएगा, 43 इंच हम इसकी पट्टी काट लेंगे। लंबी पट्टी काट ली, ठीक है। ये 1.5 इंच चौड़ी पट्टी काटी है मैंने, ये इसकी 1/2 इंच दबाव में जाएगा और 1 इंच इसकी पट्टी तैयार होगी, ठीक है। और इसकी लंबाई हमने 43 इंच काटी है, ये देखें, ठीक है। अब इसे हम कपड़े पे चिपका लेंगे। ये मैंने कपड़े पे पट्टी चिपका ली, ठीक है। मैंने एक साइड पे पट्टी चिपकाई है, इस साइड पे हमारा कपड़ा है खाली, ठीक है। अब हम इसे यहाँ से इस तरह डबल कर लेंगे, ये हमारा बराबर हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम इसे सिलाई लगा लेंगे एक बूट के गेप से। मैंने सिलाई लगा दी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से हमारा इसी तरह कच्चा रहेगा, ठीक है। हमेशा ये चाइनीज़ कॉलर मैंने आपको पक्के में बनाना सिखाया है, पक्का किस तरह होता है, लेकिन इस डिज़ाइन में हम पक्का नहीं कर सकते क्योंकि ये वाली जगह हमारी मोटी हो जाएगी, एक साइड पे हमारी डबल पट्टी हो जाएगी तो मोटी हो जाएगी बहुत, इसलिए हम यहाँ से इसे कच्चा रखेंगे, ठीक है। अब हम इसे नाप लेंगे फ्रंट के गले को एक साइड का, अब हम इसे यहाँ से नाप लेंगे एक साइड, ठीक है। ये जो निशान लगा हुआ है इस निशान से नापेंगे हम, ये देखें 17 इंच आ रहा है हमारा, ठीक है। 1/2 इंच हमारा दबाव में जाएगा नीचे, 17.5 इंच की पट्टी है, एक और हम काट लेंगे 1.5 इंच चौड़ी। पट्टी हमने काट ली 17.5 इंच लंबी, ठीक है, तो 1.5 इंच चौड़ी। अब इसे यहाँ से हम 1 इंच पे निशान लगा लेंगे, 1 इंच पे, ये निशान हम सीधा कर लेंगे। अब इसे यहाँ पे निशान लगाएंगे हम, यहाँ से हम 1/2 इंच छोड़ देंगे, ये 1/2 इंच का निशान लगा लिया हमने, इसे इस निशान से 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे हम, ठीक है।
इसी तरह डेढ़ डेढ़ इंच के गैप से हम निशान लगा लेंगे इसे। ये निशान हमने लगा लिए, अब ऊपर भी हम निशान लगा लेंगे। यहाँ से पहला निशान हम 1.25 इंच पे लगाएंगे, ठीक है, 1.25 इंच पे। इसके बाद हम डेढ़ डेढ़ इंच के गैप से निशान लगाएंगे। मैंने निशान लगा लिए सारे, ठीक है, अब हम इसे निशान से निशान मिला लेंगे इस तरह। पूरी पट्टी पे हम इसी तरह निशान लगा लेंगे। मैंने निशान लगा लिए सारे, ठीक है, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह हम पूरी पट्टी की कटिंग कर लेंगे। पूरी पट्टी की कटिंग कर ली, ठीक है, और ये हमारा फ्रंट है। ये देखो हमारे फ्रंट में ये ऑरेंज टच आ रहा है, ठीक है। तो इसकी लंबी पट्टी हमने ऑफ वाइट की, सादे ऑफ वाइट की तैयार की है। ये छोटी पट्टी हम ऑरेंज की तैयार करेंगे, ठीक है। ये 3 इंच चौड़ी पट्टी काटी है मैंने, और ये हमारी 1.5 इंच चौड़ी बुकरम है, ठीक है। यहाँ से इस तरह रखेंगे हम इसे, यहाँ पे रख के चिपकाएंगे, ठीक है, इस साइड पे नहीं रखेंगे, ये चीज़ इस तरह नहीं रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे रखेंगे ताकि जब इसे हम फोल्ड करें तो हमारी नोक पे मोटा ना हो। यहाँ पे रखें हम इसे चिपका लेंगे। पट्टी चिपका ली, ठीक है, इसके नीचे कपड़ा दे देंगे इस तरह, और यहाँ से हमारी ये नोक बराबर आनी चाहिए, ठीक है, ताकि जब हम इसे सिलाई लगा के पलटें तो हमारी ये नोक मोटी ना हो। अब हम इसे यहाँ पे इस तरह सिलाई लगा लेंगे पूरी पट्टी में। मैंने सिलाई लगाई है यहाँ पे, ठीक है, पूरी पट्टी में इसी तरह हम सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने सिलाई लगा ली पूरी पट्टी में, ठीक है। ये नोक पे देखें मैंने किस तरह सिलाई लगाई है, इसकी नोक पे रोक के, सुई को रोक के दोबारा मैंने मोड़ लिया इसे, ठीक है। अब जब हम इसे यहाँ पे कटिंग करके इसे सीधा करेंगे तो हमारी नोक मोटी नहीं होगी, ठीक है, खूबसूरती आएगी हमारी नोक में। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह हम कटिंग कर लेंगे और यहाँ नोक पे कट लगा लेंगे। यहाँ कट लगाने के बाद हम इसे इस तरह सीधा कर लेंगे, ठीक है, और इसकी नोक सही से निकाल लेंगे हम। ये देखो हमारी नोक कैसी निकली है। अगर हमारी जगह मोटी होती तो हमारी नोक इस तरह नहीं बनती, ठीक है। पूरी पट्टी को हम इसी तरह तैयार कर लेंगे। ये पट्टी मैंने सीधी करके प्रेस कर ली, ठीक है। अब इसे हम दूसरी पट्टी के साथ लगा लेंगे। ये पट्टी हमारी, ये मेरी साइड जो है ना कच्ची साइड है, ठीक है, कच्ची साइड मेरी साइड है। इस पट्टी को हम इसके ऊपर इस तरह सेट कर लेंगे। ये नोक हमारी इस पट्टी से यहाँ से मिलनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से हम इसे बराबर रख लेंगे ताकि आधा इंच हमारा दबाव में आ जाए। यहाँ पे इस तरह रख के यहाँ ये जो हमारी नोक आ रही है यहाँ से एक सूत अंदर की साइड हम इसे सिलाई लगाएंगे। ये मैंने सिलाई लगा दी यहाँ पे, ठीक है। अब इसे यहाँ से नापेंगे हम। इस जगह से ये हमारी शोल्डर की जगह है, ये 8.5 इंच आ गया, ठीक है। ये साइड हमारी बिल्कुल सीधी रहेगी, यहाँ से हम इसे हल्का सा शेप दे देंगे इस तरह से प्रेस से। इसे हम हल्का सा स्प्रे कर लेंगे यहाँ पे। ये देखें यहाँ से हमें शेप देना है हल्का सा।
इस तरह हम इसे शेप दे देंगे। ठीक है, ये देखें यहाँ से हमारा सीधा आ रहा है और यहाँ से शेप हो गया हल्का सा। और इसकी दूसरी साइड पे भी इसी तरह हम शेप देंगे। इसे हमने इस साइड पे शेप दिया, इसे इस साइड पे शेप देंगे हम। ये इस तरह हमारा गला आ जाएगा। अब इस पट्टी को हम खोल लेंगे। ये देखें यहाँ पे हमें नाप सिलाई लगाने की जरूरत नहीं है, ये 1 इंच हमारी चौड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें निशान लगाना है अपना, 1 इंच चौड़ा निशान लगाना है यहाँ पे। ये आ गया हमारा। ठीक है, हमारा निशान लग गया। ठीक है, अब इसे सेट कर लेंगे इस तरह। यहां से हमारी ये पट्टी जो है ना, इस सिलाई से मिलनी चाहिए इस तरह, और यहां पे हम सिलाई लगा लेंगे। मैंने सिलाई लगाई है इस निशान से लेकर इस पट्टी तक। ठीक है, अब इसे इस तरह उठा लेंगे और यहाँ पे हम कट लगाएंगे जहाँ तक हमने सिलाई लगाई है इसकी। इस साइड पे भी इसी तरह हम कट लगा लेंगे। ये देखिए जहाँ तक हमारी सिलाई आ रही थी उसी जगह तक हमने इसे कट लगाया है। अब इस पट्टी को इस तरह मोड़ लेंगे हम, इस तरह। ठीक है, यहाँ पे हम इसे सिलाई लगा लेंगे, इस सिलाई के ऊपर सिलाई लगा लेंगे और यहाँ पे हमारा निशान आ जाएगा। ठीक है, ये देखें यहाँ से हमारा दबाव जो है इस पट्टी के बराबर है, 1/2 इंच ही आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये शोल्डर वाली जगह से हमें सिर्फ 1 से 2 सूत लेना होता है, ज़्यादा नहीं लेना होता। ये मैंने गला लगा लिया। ठीक है,
अब इसे यहाँ से नीचे से हम बंद करेंगे, यहाँ से नीचे से हम इसे 5 इंच तक बंद करेंगे इस नोक तक, ठीक है। यहाँ पे हम लपकी सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगा ली यहाँ पे, ठीक है। इस नोक तक हमने सिलाई लगाई है इसकी, और ये देखें यहाँ से हमारा गला ये 8 इंच आ रहा है तैयार, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक टिच बटन लगा लेंगे इस जगह पे, और यहाँ पे हम 3 बटन लगा लेंगे। देखें ग्रीन कलर आ रहा है हमारा कंट्रास्ट में, तो हमने ये बटन तैयार किए हैं इसके 3, ठीक है। यहाँ पे हम बटन लगा लेंगे 3।